सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं। उसमें से 9 अवतारों ने धरती पर अवतार ले लिया है। सिर्फ एक ही अवतार शेष है, कल्कि अवतार, जिसके बारे में हम आखिरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम शुरू से शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी को क्यों डुबाया, क्या कहानी है मत्स्य अवतार की, जानते हैं इस वीडियो में। ब्रह्मा जी का एक दिन लगभग 4 अरब वर्ष होता है। हर युग के अंत में भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी के सोने का समय हो गया और उन्हें नींद आने लगी, तभी उनके मुख से वेद बाहर निकल गए। मौका पाकर हिग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया और समुन्दर की गहराई में छुपा दिया। जैसे ही वेद चोरी हुए, पृथ्वी पर ज्ञान खत्म होने लगा। चारों ओर अज्ञानता, अंधकार और पाप अपने चरण पर पहुंच गया। इसी बीच ब्रह्मा सहायता मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। उसी के बाद भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतारों में से पहला अवतार लिया, मत्स्य अवतार, जिसकी कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई। द्रविड़ देश में एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। कहते हैं कि ये राजा आगे चलकर मनु बने, जो कि पृथ्वी के पहले मनुष्य थे। सत्यव्रत धर्मशील और बड़े उदार हृदय का भी राजा था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न होती। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलों में डाला और घर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलों से बाहर निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहां भी मछली का शरीर रात में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कई और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए योग्य नहीं। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर समुन्दर में डाल दिया। आश्चर्य, समुन्दर में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वो छोटा पड़ गया। अंततः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी। वो विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबा देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपी धारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। समुन्दर उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं दिखेगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मतत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुन्दर भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।
तभी मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापिस दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया, साथ ही संसार के प्राणियों को भी एक नया जीवन और नई राह दी। धन्यवाद। ऐसे ही बाकी के नौ कथाओं की वीडियो जल्द ही इस चैनल पर आएगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।